नमस्कार दोस्तों, मैं सी आदित्य शर्मा आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो सभी लोगों के माइंड में रहते हैं, जैसे कि सर इलेक्शन आखिरकार इकोनॉमी पे इंपैक्ट कैसे डालता है, एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है और सर एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आज से ये एग्जिट पोल से लगभग अंदाजा आ जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। स्टॉक मार्केट का इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या क्या पॉलिसी चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा ओपिनियन है और मेरी रिसर्च है। हो सकता है कि रियल रिजल्ट रियल आउटकम डिफरेंट हो, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का यहां पर बायसनेस नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर आज चुनाव खत्म हो जाएंगे, 7 फेजेस के अंदर ये पर्टिकुलर चुनाव चला है, जिसमें आज 1 जून को लास्ट 7 फेज कंप्लीट हो जाएगा और इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 4 जून को। तो बेसिकली एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है एग्जिट पोल और एक होता है रियल काउंटिंग। कुछ सरकार क्लेम कर रही है, कुछ गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि भैया हमने इतनी सीट्स क्रॉस कर ली, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप इतनी भी सीट्स क्रॉस नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले हम जनता से, कुछ एजेंसीज को कहते हैं कि जनता से पता करिए कि वो किस पार्टी के फेवर में वोट देने वाले हैं। उनसे जनरल चीजें पूछी जाती है कि भैया आपको सरकार का काम कैसा लगा, क्या आप चेंज देखना चाहते हो, आप किसको वोट देंगे। तो ये होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल से सरकार को समझ में आ जाता है, विपक्ष को समझ में आ जाता है कि भैया कौन कौन से एरिया से गवर्नमेंट से लोग खुश है, कौन से एरिया से नाराज। फिर आता है एक एग्जिट पोल। एग्जिट पोल किस चीज पर बेस रहता है, एग्जिट पोल का मतलब होता है जैसे ही आप पोलिंग करके आते हैं और बूथ से एग्जिट करते हैं तो बिल्कुल आपकी फ्रेश मेमोरी रहती है, आपने किसको वोट दिया है वो हम पहले ही पता कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए आज है 1 जून, मैं वोट देकर आया और मैंने जिसको वोट दिया मैंने बाहर जो भी एजेंसीज रहती है उन्हें बता दिया, पूछते हैं लोग वहां पे आपसे, तो इससे एक रफ एस्टिमेट आ जाता है कि जनता ने किसको वोट दिया है। इसके बेसिस पे फॉर्म होते हैं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। कभी कभी इनकी एक्यूरेसी पर तो बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि ये 60% से भी कम एक्यूरेट होते हैं, विच मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और लास्ट होता है रिजल्ट। रिजल्ट होता है एक्चुअल काउंटिंग और जिसके बेसिस पर सरकार किसकी बन रही है, किसका गठबंधन बन रहा है, किसके अलायंस बन रहे हैं, ये पता चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हमारे देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, इसका आखिरकार इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है, या कोई भी इलेक्शन का इकोनॉमी पे इंपैक्ट आखिरकार क्यों आता है। सरकार का काम है गवर्नेंस, तो उसके कारण देश में इतने चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं, लोग घबराते क्यों हैं, लोग डरते क्यों हैं एक अनस्टेबल सरकार से या चेंजिंग गवर्नमेंट से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक अनस्टेबिलिटी आती है, और जब भी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है अपना एक और टर्म तो स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि देखिए अगर सरकार कंटिन्यूअसली पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रही है तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी तैयार हो जाता है, लोगों को उनकी नीतियां समझ में आती है। और जब भी चेंज आता है, चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी, तो अगर इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो इसका इम्पैक्ट लोग रिएक्शन के तौर पे दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ट्रस्ट भी लोगों का हिल जाता है। मतलब आज एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, कल करके वो गवर्नमेंट चेंज होती है तो इससे समझ में आता है कि लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं था, लोग अभी चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और जब गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो वो एक ट्रस्ट बिल्ट रहता है, जिसके कारण इकोनॉमी स्मूथली जिस तरीके से फंक्शन कर रही थी मोर इंथुजियाज्म से वर्क करती है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा सीट्स की भी डिपेंडेंसी होती है। अगर गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ज्यादा सीट से जीत कर आती है, इट शोज कि देश के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट पे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए विराट कोहली है, विराट कोहली 100 रन स्कोर करता है वर्सेस वो 150 रन स्कोर करता है। ठीक है, दोनों इसमें उसकी सेंचुरी तो रिकॉर्ड होगी, पहले केस में 100 पर भी बेटा उसकी सेंचुरी रिकॉर्ड होगी, 150 पे भी उसकी सेंचुरी रिकॉर्ड होगी, पर ज्यादा फ्लॉलेसली वो कहां पर खेला वो देखा जाएगा। 150 जब वो स्कोर करेगा तब ये दिखेगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जब यहां पर जो भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी लेकर आती है, इससे ये समझ में आता है कि हाँ उस पार्टी पर पूरे देश को भरोसा है। अगर यही कई 272-273 लेकर आते हैं तो इससे क्लियरली दिखता है कि भैया कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए इनको चूज किया गया। ठीक
ठीक है, इससे ये भी समझ में आ जाता है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन, भले तुम इलेक्ट होकर आए हो पर मेजोरिटी पॉपुलेशन इज नॉट इन योर फेवर। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर व्यूअर्स, अगर इलेक्शन जीत भी जाती है कोई गवर्नमेंट तो सीट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, द विक्ट्री शुड बी फ्लॉलेस। तो इकोनॉमी पे इसका भी इंपैक्ट आता है कि गवर्नमेंट किसी की फॉर्म हो रही है पर उसको इतनी ज्यादा सीट्स नहीं मिली है, इससे ये क्लियरली दिक्कत आता है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा तो अनरेस्ट है या अनसेटलिंग फीलिंग है। तीसरी चीज, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आज पर्टिकुलर मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, इंडिया के अंदर अभी एनडीए गवर्नमेंट है, पिछले 10 साल से एनडीए की गवर्नमेंट है, तो जो इन्वेस्टर्स आए हैं पिछले 10 साल में वो एनडीए गवर्नमेंट को देखकर आए हैं, एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखकर आए हैं। अगर मान लीजिए, अगर बोल रहा हूं, इफ बोल रहा हूं, ठीक है, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, इसका मतलब जो इन्वेस्टर जो सोचकर आया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अब बेटा उसके सेंटिमेंट्स पूरे बदल जाएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट अभी आने वाली है, शायद वो भी रुक जाएगी अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है हमारे देश के अंदर बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट, और वो दूसरी अपोजिशन गवर्नमेंट के रूल में आने से आ सकती है, तो वे लोग भी आ जाते हैं। इसका मतलब है टर्न अराउंड तो होगा ही, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पूरा बदल जाता है, नई इन्वेस्टमेंट आ भी सकती है, नई इन्वेस्टमेंट रुक भी सकती है, ठीक है। बट एवरीवन लाइक स्टेबल गवर्नमेंट, एस्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में तो स्टेबल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, देखिए मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है या नहीं हो सकती, मैं वो चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में थे वो हॉल्ट पर आ जाएंगे, हो सकता है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए रुक जाए, हो सकता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को ओवरराइड कर दिया जाए, जो सरकार अभी नहीं बनेगी वो पुरानी पॉलिसीज को बदल दे। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा भी है, जब बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट आई उसने पुरानी कुछ पॉलिसीज को खारिज कर दिया, हटा दिया। तो उसी तरीके से जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बदल दिया जाता है। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम इसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी मेड पॉलिटिकल डिसीजंस है उन्हें ओवरराइड कर दिया जाता है। एक और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ब्यूरोक्रेटिक वे है जो शासनकर्ताओं का काम करने का तरीका है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में लोगों का काम करने का तरीका है, वो भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। हमने हिस्टोरिकली देखा है जब जब गवर्नमेंट चेंज हुई है ब्यूरोक्रेटिक वे भी बदला है, गवर्नमेंट के अंदर काम करने का तरीका भी बदला है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में भी चेंज आया। आई एम नॉट सेइंग अच्छा है या बुरा है, वॉट एवर इट इज वी हैव सीन द चेंजेस, सो दीज मेनी चेंजेस वी कैन सी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल आंखें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। एक छोटा सा इंपैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करने वाली या नहीं करने वाली, बस इतना बोल रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो सेंटिमेंट्स लोगों के पॉजिटिव रहेंगे और हो सकता है कि भैया जो दूसरी कंट्री के स्टॉक मार्केट्स है वहां पर भी आपको एक शार्प प्राइस देखने को मिले। जैसे ग्लोबल वॉर होते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आता है, उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैरी करती है इसका भी इंपैक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। इसलिए जनरल इलेक्शन के अंदर वर्ल्ड की पूरी दुनिया की नजर थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि व्हाट विल चेंज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंज, क्या उम्मीद करी जा रही है। तो मैंने कुछ विश्लेषण किया है, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो कुछ मेजर चेंजेस मुझे देखने को महसूस हो रहे हैं। पहला, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को और ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, हो सकता है नेशनलाइजेशन भी हो और बहुत सारे सेक्टर्स का, और एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम किया जाएगा, क्रेडिट लाइन एक्सपांड करने की कोशिश करी जाएगी, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस में मेजर चेंज देखने को मिल सकता है अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो। एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, एक्सपोर्ट को हम बूस्ट करेंगे हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यू नो एक्सपोर्ट इज कंसिडर्ड फेवरेबल, ऑलरेडी हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हम बनने की कोशिश करेंगे, मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे हम लोग। तो इंडिया आत्मनिर्भर तो बन ही चुका है पर अब मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा, यानी इंडिया के अंदर बहुत लार्ज स्केल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होगी एंड वी विल एक्सपोर्ट गुड्स टू, जैसे एप्पल इंडिया के अंदर आएगा तो यहां से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करने से इंप्रूव होती है, हेल्दी होती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रहेगी, फॉर विच दे विल यूज द मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक जो चीज मुझे पर्सनली फील हो रही है पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा हूं, ये स्पेकुलेशन है अगेन,
इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स के ऊपर और जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस आएंगी। और आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो बहुत ही फार साइटेड स्पेकुलेशन है। नहीं, बीच में सेबी ने एक बहुत अच्छी चीज लाई थी कि जो भी इन्फ्लुएंसर है यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें बोला कि आपके पास कोई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दे सकते। तो सेबी ने उनके ऊपर नोटिस इश्यू किए और गाइडलाइंस इश्यू करी। तो द पॉइंट इज सेम गाइडलाइंस विल ऑल्सो कवर नाउ फ्यू मोर एरिया। इन्फ्लुएंसर्स भी उसके अंदर कवर होंगे, यूट्यूबर्स भी उसके अंदर कवर होंगे। ये मेरा एक स्पेकुलेशन है बट आई कैन सी फ्रॉम द ट्रेंड। ठीक है, कुछ पॉलिसीज और चेंज होगी। जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था, आप देखेंगे पुणे के अंदर, इट वॉज रिलेटेड टू सम कार एक्सीडेंट हिट एंड रन केस। बीच में भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी हिट एंड रन को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर पॉलिसी लेकर आई थी। तो ये सारी चीजें आएगी। इन्वेस्टमेंट सॉरी इंश्योरेंस के लिए इडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो भी स्ट्रिंजेंट रूल्स लेकर आ रही है कि जैसे कि आपको कैशलेस 4-5 घंटे के अंदर ही अप्रूव करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आपको फंडामेंटली देखने को मिलेंगे ऐसा मैं कहता हूं। और अगर कोई नई सरकार आती है, जब आप जानते हैं कि कौन आएगी, अगर बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट नहीं आती, अगर दूसरी सरकार आती, इफ आई एम यूजिंग इफ, अगर ये आता है तो उस सरकार का मेजर फोकस रहेगा मे बी रिजर्वेशन के ऊपर या फिर जो एग्जिस्टिंग सरकार ने पॉलिसीज बनाई है उनको हटाने में, ये हो सकता है। खैर वो तो एक स्पेकुलेशन ही है। नेक्स्ट, इस बार इलेक्शन में कितना पैसा स्पेंड हुआ? इस बार इंडिया का जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन था वो कॉस्टलीस्ट इलेक्शन था। 1.4 लाख करोड़ एस्टिमेटेड खर्च हुआ है। और अगेन कंसिडरिंग द ह्यूज लैंड मास ऑफ इंडिया और हर एक वोटर को हम कवर करना चाहते हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितने सारे बेटा वोटिंग मशीन्स वगैरह कंसिडर करें, तो 1.4 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा आया है, विच इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इलेक्शन एवर। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए स्टॉक मार्केट को कुछ एनालिस्ट, कुछ लोग एक लिविंग एनिमल की तरह बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के खुद के भी कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक लिविंग एनिमल की तरह रिएक्ट करता है, ये बढ़ता है गिरता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली लोगों के सेंटीमेंट्स पर बेस्ड है। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए अगर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो कभी भी स्टॉक मार्केट उसे अप्रिशिएट करता है, बिकॉज दैट शोज कॉन्फिडेंस, बिकॉज दैट शोज की एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो बनी थी उसी के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं तो इकोनॉमी ग्रो होगी। स्टॉक मार्केट कभी भी चेंजेस को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रहती है, तो स्टॉक मार्केट विल सी अ राइज। बट आई विल टेल यू वन फैक्ट वेरी ऑनेस्टली, दैट पर्टिकुलर राइज इज जस्ट अ स्पेकुलेटिव राइज। वो राइज सिर्फ मार्केट में एक टेम्पररी बबल की तरह ही रहेगा। मार्केट विल रीच टू इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू इन फ्यू कपल ऑफ डेज, कुछ दिन में हो जाएगा। यानी कभी भी कोई चीज होती है आपके साथ लाइफ में अच्छी होती है, यू सेलिब्रेटेड, बट एक दो दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू अपने ओरिजिनलिटी पर आ जाते हैं। उसी तरीके से इफ गवर्नमेंट विंस, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फिर से जीतती है, स्टॉक मार्केट विल सी अ शार्प रैली, बट अगेन इट विल गेट स्टेबलाइज। क्योंकि देखिए मार्केट सेलिब्रेट करेगा वो विक्ट्री को, बट अगेन जो स्टॉक मार्केट की इंट्रेंसिक वैल्यू, कोर वैल्यू कह सकते हैं, जो सतह पे जो औकात है वहां पर उसने वापस आना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जीती नहीं है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं जीतती है, तो भी स्टॉक मार्केट एक शार्प फॉल देखेगा। बट हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स देखेंगे, स्टॉक मार्केट वापस अपनी इंटरेस्टिंग लेवल पे आई जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में एक शार्प इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, अ राइज और अ फॉल, यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व दैट, बट वो स्टेबलाइज हो जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू पे। हम कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में तो पहुंच ही जाएंगे वापस से। सो कुछ इन्वेस्टर घबराए हुए रहते हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहते हैं वो डरते हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा रिजल्ट के कारण। रिजल्ट के कारण कुछ भी हो जाए, पर अगर आज मैंने 100 रुपए लगा रखे हैं वो आज से 3-4 महीने बाद 104-105 हो जाएंगे। हो सकता है इलेक्शन के दिन वो 150 भी हो जाए या 50 भी हो जाए, लेकिन वो अपनी इंट्रेंसिक कोर वैल्यू को फिर से टच कर लेंगे। सो नीड नॉट वरी। अब सर 4 जून को स्टॉक मार्केट में राइज आएगा या फॉल आएगा आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये मेरा अगेन एनालिसिस है। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट 300 का आंकड़ा क्रॉस करती है, 300+ इंक्लूडिंग अलायंसेस एंड एवरीथिंग, 300-325 तक पहुंचती है, तो स्टॉक मार्केट विल सी लिटिल राइज। अगर ये उस आंकड़े को भी तोड़ के जाती है, देन स्टॉक मार्केट विल सी अ शार्प राइज। लेकिन अगर सरकार बनती है विथ लो सीट्स, लाइक 274, 275, 300 तक की सीट्स तक आती है उन्हें,
तो बेटा स्टॉक मार्केट विल सी अ रिवर्स सेंटीमेंट, स्टॉक मार्केट विल फॉल। अगर सरकार बदलती भी है तो भी स्टॉक मार्केट विल फॉल। ये मेरा स्पेकुलेशन है, हो सकता है ये वर्क करे, जो कि मेजोरिटी केस में वर्क करा है। हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि अगर सरकार चेंज होती है या फिर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है विद लोअर सीट, तो स्टॉक मार्केट विल सी अ फॉल। बट अगर गवर्नमेंट अपने प्रीवियस बेंचमार्क को ब्रीच करती है या वहीं पे एट पार रहती है, तो स्टॉक मार्केट विल सी अ मेजर राइज। बट अगेन आई एम सेइंग यू, चाहे स्टॉक मार्केट गिरे या स्टॉक मार्केट पड़े, ये एक तरह से विंडफॉल गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है। यू कैन एंजॉय दिस गेन, कहते हैं ना बैतिंग अंगा में हाथ धो लेना चाहिए। पर अगर आप इस मार्केट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मार्केट विल स्टेबलाइज। हिस्टोरिकली वर्ल्ड इलेक्शंस भी देखे हैं, यानी कि यूएस इलेक्शन भी मैंने देखे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं, इंडियन इलेक्शंस भी देखे हैं, द मार्केट स्टेबलाइज इटसेल्फ। द मार्केट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्टॉक मार्केट रिजल्ट, बट जस्ट द प्योर सेंटिमेंटल गेम्स। इट्स लाइक द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री और क्राइंग इन केस ऑफ योर डिफीट, बस उतना ही। सो भैया ऑल द बेस्ट किसको बोलूं मैं, ऑल द बेस्ट मैं आपको बोलूंगा, ऑल द बेस्ट मैं मेरे देश और देशवासियों को बोलूंगा कि मे द गुड गवर्नेंस विन, और देखते हैं क्या होता है। क्लोजली ऑब्जर्व करिए न्यूज को, और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, जनरल डिस्कशन के लिए रिलेटेड टू इकोनॉमी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।